अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सादा सिंपल मटर पुलाव। इसमें हम आधा कप गाजर भी डाल रहे हैं। हमने एक बड़े साइज़ का गाजर लिया था, इसे इस तरह से क्यूब टाइप में चॉप कर दिया है। और मटर और गाजर को हमने बॉईल पानी में थोड़ी सी शक्कर डाल के इसे बॉईल कर लिया है। बस बिल्कुल तीन मिनट इसे बॉईल करके इसे छन्नी से निकाल दिया है। और इसमें हमें बाद में पानी में हमें डालने के लिए, हमने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये खड़ा मसाला लगेगा, दो इलायची, बिल्कुल पाव टी स्पून शाहजीरा, दो से तीन दालचीनी के टुकड़े और एक दो काली मिर्ची और दो तीन लौंग डाल रहे हैं हम। ये हम पानी में डाल देंगे चावल के। और तीन हरी मिर्ची और एक टेबल स्पून हरा पुदीना लगेगा हमें। और दो टेबल स्पून हमने हरा धनिया लिया है। हरी मिर्ची, पुदीना और कोथमीर को हम बारीक चॉप करके इसमें पूरे चावल उबले बॉईल हुए बाद हम इसे निथार के दम दे देंगे। इसके बाद हम ये बघार डालेंगे, मटर का, गाजर का और मिर्ची और कोथमीर और हरी मिर्ची का बघार हम एकदम आखिर में दम दिए बाद डालेंगे। टोटल हमने 250 ग्राम चावल लिया है, यानी कि पौसर इस गिलास के हिसाब से एक गिलास भर के, और आधे हमने बासमती चावल लिया है पुराने। आप चाहे तो आप जो भी घर में यूज़ करते हैं रोज़ के चावल वो भी लेके बना सकते हैं। तो ये चावल बहुत ही सिंपल और आसान है, आप इसे कोई भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। जैसा हमने चिकन कोला पूरी बनाया है, बटर चिकन या चिकन झिंगाड़ा दालचा, किसी कोई भी ग्रेवी के साथ आप ये चावल के साथ कोई भी ग्रेवी खा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चावल को बॉईल कर लें। ये हमने पानी को 10-15 मिनट से बॉईल होने के लिए रख दिया था। अभी हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें हमने खड़ा मसाला डाल दिया है। अब इसमें हम चावल डाल के 4-5 मिनट तक पकने देंगे, जितना नरम होने तक, जैसे हम सादे सिंपल चावल बनाते हैं बस उतना ही हमें इसे गलने देना है। ऐसे फिर निथार के हम दम दे देंगे। इसमें हम 1-1.5 टेबल स्पून इतना नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, फिर इसे निथार के दम दे देंगे। हमने चावल को एक तरफ दम होने के लिए रख दिया है। अब इस पर हम बघार डालेंगे। तो सबसे पहले हम तेल लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, फिर उसके बाद कोथमीर और पुदीना एक साथ डाल के फिर इसको चावल में मिलाएंगे। थोड़ा चुटकी भर नमक डालेंगे ताकि हमारा बघार उड़े नहीं। इस तरह से ये कोथमीर और ये पुदीना डाल फौरन इसे हिला लेंगे। बस थोड़े से इसे फ्राई होने देंगे, बिल्कुल 30 सेकंड, क्योंकि हमें इसका कलर ग्रीन ही रहने देना है, इसलिए हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बस अब इसे हम अपने चावल में डाल देंगे। इस तरह से हमने चावल को अच्छे से दम होने दिया था। अब इसमें हम ये बघार डाल देंगे। फिर इसी पैन में हम बटाने और गाजर को फ्राई कर लेंगे, फिर एक साथ हम मिला लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये बटाने डाल देंगे। हमने बिल्कुल 1/4 टीस्पून तेल डाला था इसमें। इसे हमें अच्छे से भूनना है, फ्राई कर लेंगे बस हल्का सा। फिर ये गाजर भी इसमें डाल देंगे। बस टेस्ट के लिए इसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे ताकि हमारे बटाने में और गाजर में नमक जाए। इसे अच्छे से मिक्स करके अब ये हम चावल पर डाल देंगे, क्योंकि हमने इसे गला दिया था। बस इसे इसलिए हम हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। याद रखिए बहनों, कभी भी आप कोई भी ग्रेवी के साथ चावल बना रहे हैं तो इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, बहुत से लोग बघारा खाना बनाते हैं प्याज अदरक लहसुन डाल के, तो प्याज से चावल का कलर काला हो जाता है। तो बिना अदरक लहसुन और बिना प्याज के बना रहे हैं हम ये
बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आपके पास सबको घर में इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे, हमारे पास सबको बहुत पसंद आते हैं ये। ये ग्रेवी के साथ बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं ये, खाली भी इसे खा सकते हैं। बिना अदरक लहसुन के बनाने की वजह से 2 दिन तक ये ख़राब भी नहीं होते। तो चलिए अब ये बघार हम चावल में डाल देंगे। जो हमने ये कोथमीर हरी मिर्ची का जो बघार डाला था उसी के ऊपर ये बघार भी हम डाल देंगे खटान का, इस तरह से इसे थोड़ी मिक्स कर देंगे और बस 1-2 मिनट इसे ढक कर और दम पे स्लो आंच पे रहने देंगे, ऐसे एकदम स्लो पे। बहुत ही फ्रेश कलर आता है बटानों का, गाजर का, बहुत ही अच्छे टेस्टी चावल लगते हैं ये, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसे हम बस 1 मिनट उतना ढक्कन ढक के दम दे देंगे और फिर इसके बाद हमने टोटल इसे 5 मिनट दम पे रहने दिया था, इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए बहनों, ये हमारे सिंपल सादे मटर पुलाव तैयार है, इसे आप कोई भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स ज़रूर शेयर करें और मुझे कैसे बने तो ज़रूर बोलें। अल्लाह हाफिज़।